अर्रहमान रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। मेरी तरफ से तमाम कबूतर परवर हज़रात को अस्सलामु अलैकुम। देनी याद के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मियां नज़ीर ऑफ ललियानी कसूर ने मरहूम ने कैसे डैडी कबूतर बनाए। डैडी ने बनाए थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग किस्सा है, वो एक अलग नस्ल है। और उसके बाद लेकिन जो मियां नज़ीर साहब ने टैडी बनाया, उन्होंने उसमें इंतहाई जिद्दत दी, उसमें उन्होंने टैडियों की बकायदा नस्लें बनाई और बहुत अच्छी जिद्दत दी उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ ऑफ कसूर मरहूम ने एक जोड़ा बनाया था, टैडी जोड़ा, ठीक है जी। वो था मलक जफर ऑफ कसूर, जो है ना, वो उनका कबूतर था। एक असल में वो मिस्री शीदा टैडी खानदान का कबूतर था, बाजियां उड़ी थी जेठ में, ठीक है जी, पक्की बिरते थी शायद। तो वो शबाल रोड कसूर में एक मेन रोड है, तकरीबन कोई 1.25 किलोमीटर का। तो उसकी नुक्कड़ पे, जो है ना, जहाँ पे आजकल जकी अड्डा है, वहां पे छात होती थी मिस्त्रियों की। और वहां पे नीचे आता, उसने 5:15 का टाइम था, तो वो वहां पे गिर गया, शबाद रोड पे गिर गया था। आगे जाके वहां पे ना एक थे, वो रेडी वाला था, वहां उनके पास गिर गया, मैंने आपको बताया। तो उसके बाद ये हुआ कि वहां से मलक जफर नहीं गया था, 25 रुपये मांगे थे, 18 रुपये में वो ले गया था। ये भी 1976-77 यानी उसकी बात, 75-76 की बात है ये, ठीक है जी, ले गया था। अब क्या हुआ कि मलक जफर साहब से जो है ना चाचा, जो है ना वो उस्ताद जो है ना यूसुफ इंसारी, जो है ना वहां से लिए, जैसे भी लिया उन्होंने उतारा करके लिए वहां से। चले जी, अब क्या हुआ कि उन्होंने आप उसके साथ चाय वाली मादी लगाई, एक जोड़ा बन गया उसमें से। यानी ये नारे बतौर मानद लाए थे और एक साल उनके पास रहा, तकरीबन एक साल। तो 5 उसने, 6 थे लेकिन एक दो ना वो मर गया था, 5 बाकी रह गए थे, जिनमें से एक कबूतर था कोने वाला वो। और उसके साथ जो है ना वो वहां से ना ले आए थे, जो है ना वो मियां नज़ीर मरहूम जो है ना वो वहां से ले आए थे, लाला से ना वहां से ले आए थे। अच्छा, उनका लाने का भी एक किस्सा है, कहते हैं कि उसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ ये था कि कसूर में जो है ना स्टील बाग मोड़ है, अस्पताल है वहां पे, वहां सामने उनके सामने इनकी जमीनी होती थी मियां साहब की, वहां पे ट्यूबवेल जो है ना होता था इनका, यानी सैराब करने के लिए उसको, जमीनों को, वहां पे इन्होंने कबूतर रखे हुए थे। तो कहते हैं कि जो है ना मियां साहब ने लाला यूसुफ से इसी जोड़े के, यानी मलक जफर वाला कबूतर और चाय वाली मादी के 2 बच्चे लिए थे। वो वहां पे लगे, वो बड़े हो गए, फिरतों में आ गया, एक तो मर गया था शायद, तो दूसरा बहुत उड़ा, तकरीबन 5-5, 6-6 बजे तक होगी उसकी, 2-3 फिरते जो ना उसके बीगी। तो मियां साहब कहने लगे, मियां साहब उस, मैं भी वहां पे मौजूद था, सारे मौजूद थे वहां पे। तो मियां साहब कहने ले जी, हमने मिस्त्रियों से क्या बाजियां जीतनी है, उनके तो कबूतर ही बहुत अच्छे हैं, ये देखें। यानी इस चीज के ने उनको तरगीब दी कि लाला यूसुफ से ना कोई, मैं इस जोड़े का लेके ना नस्ल बना। तो लिहाजा उन्होंने वहां से ना कोने वाला कबूतर उनसे लिया। अच्छा, कोने वाला कबूतर जो ना, वो उसकी भी एक कहानी है। वो ऐसा था कि कोने में एक बैठा रहता था, ना गुड़ता था, ना मादी के साथ लगता था, वह कोने में बैठा रहता था, दाड़ा गाया वहां पर जाकर बैठ गया, इसलिए लाला यूसुफ ने उनका नाम कोने वाला रखा हुआ था, उस कबूतर का नाम। अच्छा, अब सवाल यह है कि कोने वाला कबूतर कैसा था, कलर कैसा था? सलारा टैडी था, सलारा सफेद आंखें थी, जरेदार, जैसे मट्टियां होती ना, मट्टियां ऐसे उसकी आंखें थी, सलारा था, कलसरा कलगुम्बा सलारा, ये था रंग उसका, ठीक है जी। अब ऐसा हुआ कि वो मियां साहब ले आए, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक टैडी मादी मियां साहब जो कहीं से मिली, वो भी इनकी चाचा शीदा टैडी के घर से ही गिरी हुई थी, और कहते थे उस वक्त कि वो गोली वाली मादी जो थी, गोली वाली पट्टी थी, यानी गोली वाली इनकी मादी बहुत अच्छी थी, नस्ल बनाने वाली मादी थी उनकी, ये जो ना पट्टी थी वो, ये कहते थे। पर वो भी इनको मिल गई। और उसके बाद मियां साहब को ना मिस्त्री खानदान की
कलफिरी कलदुम्बी वादी में एक मिली थी, और उसके बाद यानी गूढ़ी जौसरी वादी में एक मिली थी, यानी ये दो तीन वादियां जो उनके गागी नाम ये साहब को ना इधर उधर से मिली थी, जो वो वादियों में ना जब गिरते थे तो कोई ना कोई बच्चा गिर जाता था, तो वो इस तरह इन्हें हासिल हो गई थी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से इन्हें हासिल हो गई थी। ठीक है जी, ये वादियां थी। लिहाजा मियाँ साहब ने पहले तो उनकी, हालांकि मियाँ साहब के साथ पास भी आपने खानदानी कबूतर थे, इनके वालद भी बहुत अच्छे जो शौक रखते शौकीन थे, मियाँ मोहम्मद सैद मरहूम शौकीन थे कबूतर वादी के, वो भी इनके पास अपने भी जानवर थे, लेकिन ये तीन वादियां जब इन्हें मिली तो उन्होंने कोने वाले कबूतर के साथ उन्हें लगा के बच्चे लिए। देखें फिर वही बात आ गई ना, एक नर तीन वादियां, नस्ल नर की बन जाएगी। ठीक है जी, अब क्या हुआ, उन्होंने बच्चे लिए, बच्चे लिए और बच्चे उड़ाए तो कमाल का रिजल्ट आया, कमाल का रिजल्ट आया भाई, कमाल का। और कहते हैं कि पीछे तो इतना अच्छा रिजल्ट मियाँ साहब का नहीं है इतना आता था वादियों में, लेकिन जितना अब आना शुरू हो गया, अब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया। अच्छा, मियाँ साहब तो ये ना ब्रीड के जो ना किंग थे, किंग, ठीक है ना, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, उड़ाते कौन थे इनके कबूतर, मियाँ साहब के छोटे भाई हैं तो फौत हो गए हुए हैं, मियाँ रऊफ वो थे मरहूम, और अभी हयात है तकरीबन 70-75 साल उम्र है बाबा स्तार और वडाना कसूर, ये जो है ना वो मियाँ नजीर साहब के पलेठी के शेर थे, शुरू में ही 40-50 साल उनका तल्लक रहा है के साथ, वो उनके कबूतर उड़ाते होते थे। तो उन्होंने जब उड़ाई तो अब तो मजा ही और वादियां भी जीती इन्होंने, बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया इस कोने वाले कबूतर और वादियों के साथ, मेरे सामने ऐसी नस्ल बना दी। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि टहरी तो बन गए इनके पास माशाल्लाह, बड़े अच्छे बन गए, लेकिन इन्होंने एक और इनमें से सलारे टहरी भी बनाई, सलारे टहरी जिनको वो कहते हैं कि इनके एक भाई मियाँ नजीर मरहूम के भाई मियाँ सईद वाले टहरी बने थे इनके, सलारे टहरी उनके नाम से मनसूब है ये मियाँ सईद वाले टहरी। अच्छा, इनके पीछे भी एक कहानी है, देखें हुआ ये था कि स्टील बाग मोड़ पर जो है ना वहां पर मोड़ पे इनके एक शगिर्द थे मियाँ नजीर साहब के, शाह साहब नामी शगिर्द थे, और उन्होंने बाजियां मिस्त्री खानदान से लगाई हुई थी, मिस्त्री बाजियां उड़ा रहे थे इनका, उनका एक प्लेठी का शिगिर था, अच्छा शिगिर था, करीबी शिगिर था, नमाजी के चार से उन्होंने वो वहां पे उधर ही उसके करीब भी ना एक है जो है ना सदर दीवान है वहां पे, उसके करीब उनकी छात होती थी, वहां पे उन्होंने जो है ना वो उनके साथ बाजियां लगी हुई थी। लेकिन ये शाह साहब थे ना, इनके मियाँ जो है ना सईद और मियाँ बग्गू इनके साथ बहुत अच्छे तलकात थे, बड़ा प्यार थे इन दोनों का आपस में। एक दिन मियाँ सईद ने मियाँ बग्गू ने जो है वो मियाँ नजीर साहब को दावा दी कि आए वहाँ पे शौक करें, बाजियाँ उड़ी हुई हैं जरा देखें, फिरते जो है ना जारी थी, फिरते दे रहे थे वो कबूतरों को, मियाँ साहब आ गए, आगे उन्होंने कबूतर चेक किए सारे, उन्हें बड़ा मजा, इनका कोई बात नहीं अच्छे हैं सारे। लेकिन जब उनकी एक मादी में नजर पड़ी ना तो वो मादी थी सलारी मादी थी, वो सलारी कलसरी कलदुम्बी सलारी मादी थी, और उन्हें बहुत पसंद आई, वो बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा यार ये मादी मुझे ले, मेरे पास जो कोने वाला नार है ना मैं इसको साथ लगाऊंगा तो ये सलारे टैरी ऐसे बना दूंगा कि दुनिया याद करेगी। तो शाह साहब कहने लगे कि नहीं मियाँ साहब मेरी बाजियां हैं, मैं उनके बाजियों मैं आपको कैसे दे दूँ, ये तो बड़ी अच्छी उड़ती है, इसकी तो परवाजें बहुत अच्छी हैं। तो मियाँ साहब ने कहा कोई बात नहीं, अगर बाजियां जीतनी होगी तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे, ये जाया हो गई ना तो बड़ा एक बदकिस्मती होगी हमारे लिए। बहरहाल उनके भाई मियाँ बग्गू ने यानी मियाँ सईद साहब ने जो है उनका अगर ठीक है दे दो कोई बात, बाकी आप बाजियां उड़ा लेंगे कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, तो उन्होंने वो बात दे दी, मियाँ साहब ले गए। और इस तरह कोने वाला कबूतर और वो मादी, सलारी मादी, कलसरी कलदुम्बी सलारी मादी, छट्टों वाली मादी, यानी वो जो है ना उन्होंने लगा के जोड़ा आपस में, तो वहां से ये नस्ल बनाई थी सलारे टैरी बनाए थे, बहुत अच्छा इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट था, कमाल का रिजल्ट था इनका। देखिए ऐसे जोड़े बनाते हैं, अच्छे कबूतर होना तो फिर ऐसे जोड़े बनाए, ये नहीं खूबसूरतियां भी दें, कलर भी दें, आंखें भी अपनी मर्जी की दें, लेकिन परवाज जरूर होनी चाहिए, परवाज भी नाकाबले फरामोश होनी चाहिए, टका के होनी चाहिए परवाज, टका के। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मियाँ सईद वाले टहरी कहलाए। ठीक है जी, उसके बाद
मियाँ साहब ने जो भी तैयारी बनाई है ना वो उन 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 पे उनको इतना जो ना वो बुर हासिल हो गया था कि वो अपनी मर्जी का कलर ले लेते थे, अपनी मर्जी की उन्हीं में से आंखें बना लेते थे और अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लेते थे। ये था उनका फन, मियाँ साहब का फन। और इसी वजह से तो उन्हें शहनशाह जो है ना वो ब्रीड कहा जाता है, ब्रीड कहा जाता है। अच्छा यहाँ मैं आपको बताऊं, ये मेरा मकसद जो ना मियाँ साहब ने कैसे बनाई या टैरी टैरी या टैरी चला रही है सारा, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनका कबूतर खरीदें, ना ना ना। ये मैं आपको आज से 40 साल पहले की किस्से बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बहुत बेची हैं, बहुत जो ना दिए हैं। देखिये मिस्त्री खान था तो किसी को देता ही नहीं था टैरी कबूतर, वो तो देता ही नहीं था, लेकिन मियाँ साहब ने तो दुनिया भर को दिए हैं, फरोख किए हैं, वैसे भी दिए हैं। तो उन्होंने तो आज लाखों में करोड़ों में जो टैरिफ पहले, ये सब मियाँ साहब की मरहूने मिन्नत है, मियाँ साहब की मरहूने मिन्नत है। आप उनके पास असर है नहीं है ये मुझे कोई पता नहीं है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। मुबारक मैं उनके ऊपर, मैं तो एक स्ट्रीम बता रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ स्ट्रीम बता रहा है, आपको आपको रहनुमाई देना है कि ऐसे कबूतर बने थे, आप भी ऐसे कबूतर बनाए। अच्छा नर हो तो उसके साथ दो तीन अच्छी मादियां लगाएं, नर की नस्ल बन जाएगी। अच्छी मादी हो दो तीन चार पांच जितने में लगाना चाहें उसके साथ, मादी के साथ नर लगाएं तो आपकी अच्छी नस्ल बनेगी। लेकिन रिजल्ट लेना ना भूलें, रिजल्ट जितना अच्छा होगा आपका जोड़ा उतना ही अच्छा पास होगा, अच्छा पास होगा फिर वो आपके पास नस्ल बन जाएगी। कोई सैकड़े रखने की जरूरत, जोड़े रखने की जरूरत नहीं है, एक दो तीन जोड़े आपके पास हो, चार हो। देखिए दो तीन चार जोड़ों से उन्होंने बनाया था कुछ, इस तरह मिस्त्रियों ने भी ऐसे ही किया था, तो बना ले उसके बाद उनको आपस में लगाएं और उसको लगा के आगे उड़ाएं, उड़ाएं। अच्छा उड़ान के बारे में सूर जेन में रखी कि उड़ान जेट की उड़ान जो है ना टेम्परेचर 42 से 46 तक के जोड़े को पास करें, नीचे नहीं, इस ये जोड़े पास करें अगर आपने मजा लेना कबूतरबाजी का, तो ये है नहीं। ठीक है जी, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, लेकिन वो आइकॉन बेल जो होती है एक जो है उसको भी टच करें ताकि मेरी हर बनने वाली वीडियो एक सेकंड में आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।